हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक मल्टीप्लाई करने की ट्रिक। मतलब इतनी बड़ी ट्रिक नहीं है, लेकिन आप इसको इजीली छोटे या बड़े कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 4 × 4 होता है 16। तो इसमें आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जहाँ अपन को टेबल याद नहीं होती, तो वहाँ अपन इस ट्रिक को यूज में ले सकते हैं। ट्रिक क्या है, एक मैथमेटिकल ही है। 4 × 4 होता है 16। हमने किया, फर्स्ट वाले 4 को आधा किया, सेकंड वाले 4 को डबल किया, तो 2 × 8 भी 16। मतलब एक संख्या को आपने डबल किया, दूसरी को हाफ कर दो, तब भी उसका रिजल्ट सेम ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 × 4, इसका निकालना है 18 × 4 का। तो इसके लिए क्या किया, 18 × 4 का हमको रिजल्ट निकालना है। तो 18 का आधा किया 9, 18 का हमने हाफ किया 9, और अगले 4 का हमने डबल किया तो 8, तो 9 × 8 72। तो 18 × 4 का भी रिजल्ट 72। दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट सेम ही आएगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं 1.5 × 16। पॉइंट वाली जहाँ अपन को टेबल याद नहीं होती है, उसमें भी अपन इसको यूज में ले सकते हैं। और 1.5 × 16 का हमको निकालना है। तो हमने 1.5 को डबल किया 3 हुआ, 1.5 को डबल किया 3 हुआ, 16 को हाफ किया 8 हुआ, तो 3 × 8 = 24। तो जो रिजल्ट इसका है, वही रिजल्ट ऊपर वाले 1.5 वाले का भी वही आएगा। नेक्स्ट 18 × 4.5, इसका हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, 18 को हाफ किया, तो हाफ किया 9, और सेकंड वाले में 4.5 को डबल किया तो 9 × 9 = 81, तो ऊपर वाले का भी 81। दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट सेम आएगा। तो इस ट्रिक से आप इजीली बड़ी कैलकुलेशन को भी कर सकते हैं। थैंक यू, ट्राई इट।